मैं हूं आशिकीन कुरेशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की। बसपा नेता ने डीएम को फोन कर जहां प्रोटोकॉल की याद दिलाई, वहीं एसडीएम सीओ के उनके अगुवाई में मौजूद न रहने पर नाराजगी जताते हुए सदन न चलने देने की बात कही। पिछले दिनों आरजू एनक्लेव कॉलोनी में सैनी परिवार के यहां हुई लूट और बलात्कार की घटना के मामले में युवा बसपा नेता अनुराग सैनी के रिश्तेदारों को मदद और कार्रवाई कराने का आश्वासन देने मौके पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने घटना के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने की हिदायत एसओ देहात को दी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी नेता प्रतिपक्ष ने लूट और बलात्कार के शिकार हुए सैनी समाज के पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी की और उनको इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं उनके साथ पूरी हमदर्दी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, सब उनकी बहन बेटियां हैं, उनकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। डीएम के आदेश पर एसडीएम सीओ नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास पहुंचे। बता दें कि सदन में नेता प्रतिपक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है और उनकी अगुवाई के लिए कोई मजिस्ट्रेट स्तर का अधिकारी नहीं पहुंचा था, जिसकी शिकायत नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने डीएम वेद प्रकाश से की थी। इस मौके पर युवा नेता अनुराग सैनी, पूर्व विधायक गिरीश चंद, हाजी शब्बन, जिलाध्यक्ष सोमपाल सिंह एडवोकेट, बसपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सोरन सिंह सहित भारी संख्या में बसपाई मौजूद थे।